हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड की पोएम का सीरीज। और आज पहला पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, और जिसे लिखा है सरली टॉलसन्स ने। तो चलिए देखते हैं आज का पोएम ए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफ का मतलब होता है मेमोरी। जब हम फोटो को देखते हैं, किसी फोटो फ्रेम में हम फोटो को देखते हैं, तो हमारी पुरानी यादें क्या होता है, रिफ्रेश हो जाती हैं। हम उसे वापस उस मेमोरी में चले जाते हैं और उस लाइफ में जीने लगते हैं। तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ के माध्यम से के द्वारा सरली टॉलसन्स भी इसी तरह की अपनी मेमोरी को हमारे समझ रखी है। तो चलिए देखते हैं पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर ट्रेवलिंग ट्रांजेंट फिट। क्या कहा गया, देखिए कुछ वर्ड को देख ले, हार्ड मीनिंग को। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग बेयर फिट इन द सेलो वाटर, मतलब खाली पैर से जब पानी में चलना, ठीक है, वॉकिंग करना। टेरिबली मतलब एक्सट्रीमली बैड, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े से समय के लिए, जिसको आप कह सकते हैं चेंजेबल, चेंज होना। तो चलिए देखते हैं कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का सोज मतलब, कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक फोटो उसमें चिपकाया हुआ था, एक गत्ते के ऊपर एक कार्डबोर्ड है, उसी को यहाँ पे फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड यहाँ पे क्या शो करता है? एक फोटोग्राफ को शो करता है, ठीक है। तो जो सरली टॉलसन्स है वो एक फोटोग्राफ को देखती हैं, और देख के किसका फोटो होता है? उसकी मम्मी का फोटो होता। तो देखती हैं और कहती हैं कि इस फोटो को देख कर कि इसमें दो कजिन्स है, किसके? उसकी मम्मी की, जिन्होंने क्या किया है, वो दोनों लड़कियां क्या की हैं, गर्ल्स उनकी मम्मी के हाथ को पकड़ के रखे हैं। और क्या कैसा फोटो है कि वो तीनों कहाँ चल रही हैं? सी बीच पे है और पानी के ऊपर नैरो फिट में और वेयर फिट पे चल रही हैं, ऐसा एक तस्वीर है। और जो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां उनकी मम्मी का हाथ को पकड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी बड़ी है। एज क्या है? कम से कम 12 ईयर्स, ऐसे ही सबका एज है, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू हर देयर फेस हेयर, उनका जो स्माइल है, ठीक है, हेयर के थ्रू, कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है, स्माइल थ्रू हेयर देयर हेयर, इसका मतलब है कि वो जब तीनों खड़ी हैं तो हवा चल रही थी, ठीक है, तो हवा चलने के कारण जो उनके हेयर थे वो उनके फेस पे आ चुका था, ठीक है। और एट द अंकल विद द कैमरा, और शायद कोई अंकल क्या कर रहे थे, कैमरा से उनकी तस्वीरें निकाल रहे थे। अ स्वीट फेस, स्वीट फेस किसका? उनकी मम्मी का। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, बोलते मेरी मम्मी का उस वक्त चेहरा जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मतलब आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले मेरी मम्मी का चेहरा कैसा था, बड़ा ही स्वीट फेस था। वो तस्वीर को देख के वो इस तरह की बात कहती है। एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फिट, यहाँ पे देखिए एक चीज दर्शाया गया, क्या है, एक सी है और एक ट्रांजिएंट फिट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों किस चीज को डिपिक्ट करता है? सी एक परमानेंट है, इसको चेंज किया नहीं जा सकता या चेंज नहीं होता है, या बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत चेंज अगर होता है तो होता है। लेकिन ट्रेवली ट्रांजिएंट फिट मतलब क्या कि एक चेंजेबल टाइम, फिट जो है चेंज होता रहता है। ट्रेवल में मतलब डिफिकल्ट, लाइफ में बहुत सारा डिफिकल्टीज आता है, लोगों का जीवन में एक चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे जो दो चीज को दिखाया गया, एक सी जो जिसमें किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, वॉज देयर ट्रेवल रंजन फिट, क्या करते हैं उसके पैरों को धोते हैं, मतलब उनके जो पैर है किस चीज को दर्शा रहा है, उनका जो लाइफ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए उनका उस समय का फोटो, उस फोटो को देख के कहती है कि एक ट्रांजिएंट फिट को वॉश करता है कौन, सी, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। आगे के स्टेंजा देखेंगे। तो अगले स्टेंजा में क्या है, सम 20-30 इयर्स लेटर सी हैड लव एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राइट विद द लेबर इज ऑफ लॉस। क्या कहा गया इस स्टेंजा में कि सम 20-30 इयर्स लेटर, 20 और 30 साल बाद क्या होता है, सी हर लव एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली सी हैड सीन, वो क्या कहती है उस तस्वीर को देखती है 20-30 साल बाद, कौन देखती है इस तस्वीर को, वो
पोएट की माँ जो होती है उस तस्वीर को देखती है, उसको देखकर हंसती है और कहती है कि देखो डॉलियर बेटी किस तरह से हम लोग को तैयार किया जाता था बीच के लिए, जब ये लोग बीच में हम लोग जाते थे हम लोग को किस तरह से तैयार किया जाता था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट बोरा माइन इज हर लाफ्टर। यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखिए यहाँ पे दो चीज दिखाया गया, पास्ट दोनों का है, दो पास्ट दिखाया गया है, दोनों के लिए अलग अलग अपना एक पास्ट है, अपना एक दर्द है। क्या है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, किसका पास्ट है, सी हॉलीडे उनकी मम्मी के लिए, जब उनकी मम्मी तस्वीर को देखती है तो वह मिस करती है किस चीज को, अपने बचपन में किस तरह हॉलीडे पे वो बीच पे जाया करती थी, इस बात को वह मिस करती है, ये उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मतलब किसके लिए, सरली टॉलसन के लिए क्या है, उनकी मम्मी की हंसी, क्योंकि उनकी मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में, तो अब वो अपनी मम्मी को लाइव हंसते हुए नहीं देख सकती हैं, तो उनके लिए ये पास्ट हो गया, जब वो तस्वीर में अपनी मम्मी को हंसते हुए देखती हैं तो ये उनके लिए पास्ट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑथर के लिए अपना एक पास्ट है और उनकी मम्मी के लिए अलग अपना एक पास्ट, तो क्या देखते हैं कि उनके लिए क्या पास्ट था, हॉलीडे मनाना, और ऑथर के लिए क्या पास्ट है, उनकी मम्मी का लाइव हंसते हुए देखना। बोथ राइट विद द लेवर इज ऑफ लॉस, यहाँ पे क्या है, लेबर इज का मतलब क्या होता है, लेबर मतलब कोई चीज मुश्किल से मिलना और इज का मतलब कोई चीज आसानी से मिलना, ठीक है। और राय का मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड, ये क्या है, ये ऑक्सीमोरन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीमोरन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि किस तरह से क्या हो रहा है, समय निकलता चला गया और दोनों का जो दर्द है, दोनों का जो पेन है, वो उनको लेते हुए एक्सेप्ट करते हुए किस तरह से वो आगे बढ़ गया, समय आगे निकल गया, दोनों ही अपने अपने दर्द को, अपने अपने पेन को अपने अंदर छुपाए हुए लिए हुए समय से आसानी, समय जो है कितना आसानी से आगे निकल गया। आखिरी स्टेंजा में क्या है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट साइलेंस साइलेंस। क्या कहा गया कि अब क्या हो चुका है, उनको मरे हुए कितना समय हो गया है कि इनको, उनकी माँ को डेट किए हुए काफी समय हो गया, मेनी ईयर्स हो चुका है, वो दैट गर्ल जो लड़की थी, अब इतने समय में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत चेंजेस आ गया है, और इतना चेंज आ गया मतलब उनकी माँ भी नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑथर है उस तस्वीर को देख के वो ये सोच रही थी अपने माँ के बारे में, अब कहती हैं कि अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, इतना कुछ चेंज हो गया है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है उनके अंदर, साइलेंस, और साइलेंस के अंदर, शांत के अंदर भी, दर्द के अंदर भी एक दर्द है, साइलेंस एंड साइलेंस मतलब चारों तरफ शांति ही शांति होता ना, जब काफी पेन होता है तो उस पेन के अंदर भी एक दर्द छुपा होता है, तो इनके अंदर कहते हैं कि साइलेंस के अंदर भी साइलेंस है, चारों तरफ शांति ही शांति, दर्द ही दर्द है। तो इस तरह से फोटोग्राफ में क्या दिखाया गया, सरली टॉलसन के द्वारा तीन स्टेंजा दिखाया गया, जहां एक पहला स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि एक बच्ची है जो उनकी मदर है लेखिका की, उनके साथ तीन बच्चे हैं, तीन लड़कियां हैं, अपनी कजिन के साथ उनका एक तस्वीर दिखाया गया है जहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड को स्पेंड करती हैं, उनकी मदर, उनकी तस्वीर है। और सेकेंड स्टेंजा में क्या दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों अपने अपने, दोनों के लिए अलग अलग पास्ट है, समय बीता जाता है, उनकी माँ के लिए उनका एक अलग पास्ट है और ऑथर के लिए अलग पास्ट है। तीसरा स्टेंजा में दिखाते हैं कि उनकी मम्मी के देहांत के बाद किस तरह का सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाता है, अब लेखिका किस तरह से उनके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है तस्वीर को देखते हुए। तो ये था हमारा पोयम फोटोग्राफ, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।